हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल से हम आपका स्वागत करते हैं आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, भोपाल में आए, यहाँ पर मेरी एक दीदी रहती है, तो वो अभी आ रही है मुझे लेने के लिए। दीदी आने के बाद मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, देखना बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा। और भोपाल में मेरा प्लान है कि स्कूटी लेके यहाँ वहाँ घूमूँ, क्योंकि भोपाल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम घूम सकते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी है जो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसा स्टेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा है स्टेशन, बहुत साफ सफाई है यहाँ पे। बस यही है यहाँ की स्टोरी। अभी जस्ट टेक लैंड हुआ, ट्रेन अभी डिपार्ट हुए, अराइवल हुए। क्या बोल रहा हूँ मैं, दो दिन से पागल हो गया हूँ, मेरे को सर्दी हो गई ना, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रेन अभी यहाँ पे डिपार्ट हुई है, ये बोलना चाहता था। तो ठीक है, दीदी आने के बाद आपको मिलाता हूँ, तब तक यहाँ पे अपनी जाने मन के साथ बैठा बैठे रहते हैं। तो लो दोस्तों, पहुँच गए हम सबसे बड़े और सबसे प्राइम सिटी भोपाल में। तो यहाँ पर हमारे जीजू हमें लेने के लिए आए थे, क्योंकि ये गाड़ी अभी निकाल रहे हैं। यहाँ से हम रामनी कमलापति रेलवे स्टेशन से निकलते ही बहुत ही सुंदर रोड से निकलते हुए और बहुत ही सुंदर सुंदर दीवारों के ऊपर की पेंटिंग देखते हुए जा रहे थे मेरे दीदी के घर। और घर जाते ही जो मेरा स्वागत हुआ है, यार आप खुद देख लेना। दीदी के मम्मी इतने जोर से मेरे पास आई और मुझे तिलक लगाया, और उसके बाद फिर मेरे दीदी ने भी मुझे तिलक लगाया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भैया, ऐसा स्वागत मेरा जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे गले में माला डाली, तो मेरे को लग रहा था कि मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मारा है या कौन सा बड़ा काम किया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारी सोय होने लगी, लाइक कांदा पोहे, समोसा, जलेबी, उसके बाद एक कप गर्मा गर्म चाय, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो यहाँ पर साइड में एक उद्यान था, तो हमारे जीजू और रिवाज जो कि बहुत बढ़िया लड़का है, और थोड़ा सा शेतर लेकिन बहुत प्यारा है, तो हम तीनों चले गए वहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा सा। और यहाँ जाने के बाद थोड़ी सी जो बचपन की यादें थी वो याद आने लगे, लाइक वहाँ पर जो भी लिखा था और जो भी मतलब सब चीज़ें जो भी देख रही है आपको, सब जो हम बचपन में करते थे वही चीज़ें हैं जो कि आप वीडियो में देख। रात को घूमने के लिए, जी हाँ, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है अभी तक, लेकिन होगा, मैं भी तीर मारूंगा जरूर। लेकिन बोलना यही चाहता हूँ, बताना यही चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानो।
ओरिजिनल ब्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। तो बस यही थी स्टोरी। और उसके बाद हाँ, और एक बात बताना भूल गया कि जब हम उस ब्रिज के बाद जो अभी आने वाला है आगे वीडियो में, मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और नाइट में मैं क्या, मतलब ये सिटी दिखाने की, मेरे नज़रिए से ये सिटी दिखाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही वो ब्रिज जहाँ पर हम रुके, थोड़े से फोटोज ली जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। बहुत ही सुंदर ब्रिज था और उसके ऊपर जो लाइट भी लगाई थी ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुके और 1 2 3 ये रहा आपका भाई आपके सामने स्लो मोशन करते हुए। जी हाँ, मेरे ड्रेसिंग पे हंसना मत, नाइट थी इसलिए मैं तो इसके बाद हम गए गेम जोन में, वहाँ पे कुछ बम्पिंग कार खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे, तो हम भी चले गए देखने के लिए। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे गेम्स वगैरह देखे हमने। मुझे पता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर आके ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लाइक अंदर भी थोड़ा सा टीवी वगैरह चल रहा है तो बाहर भी थोड़ा सा शोर शराबा होगा ही, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। तो यही था आज के वीडियो में, आज का वीडियो बनने का मोटिव यही था कि मुझे वो स्टोरी आपको बतानी थी ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाए कि वो वीडियो कैसा होने वाला है लद्दाख और मनाली ट्रिप का। तो उसके बाद हम खाना वाना खाने के बाद आ जाते हैं घर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।